स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान, विश्वास सारंग खुद विश्वास हो गए। कांग्रेस ने तथ्यों के साथ साबित कर दिया है विश्वास सारंग, जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने से पहले नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई। यदि विश्वास सारंग सही है तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाए। मदरसा मामले में बोले, मुद्दा भड़काने के लिए सरकार का ये कुठाराघात है। सदन के अंदर ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मदरसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसका जो प्रबंधन है वो अल्पसंख्यक से वापस दे अब देखिए, ये सब उसमें मतलब क्या है? मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो जनहित के विषय हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ऐसे मुद्दे सामने लाती है। भाई आप बात करो हमारे प्रदेश के युवाओं की, बात करो रोजगार के बारे में, बात करो कि आज भी जो लाखों नर्सिंग छात्र भटक रहे हैं उनके लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। हर प्रकार से आज के समय भाजपा के राज में बेरोजगारी चरम पर है। मेरे पास तो एक और अभी आदेश आया है, कल शायद एक बैठक हुई है नर्सिंग काउंसिल की, विश्वविद्यालय की, जिसमें 2019 में कुछ जो कॉलेज वापस फर्जी पाए गए थे उनको वापस ये लोग दे रहे हैं मान्यता। अभी भी ये इनका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि 2021-22 के समय भी जो कुलपति जिन्होंने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी थी, समझौता दी थी, वो आज भी वहीं बैठे हैं, उसी पद पे बैठे हैं। उन पर अब तक सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ऐसा क्या कारण है, इस पर भी हमको जानकारी मिले। तो लेकिन नर्सिंग उषा ठाकुर तो ये कह रही है, गंभीर आरोप लगा रही है, ये जो मदरसे हैं वहाँ से बच्चों की तस्करी हो। देखिए श्रीमती सुश्री उषा ठाकुर जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दें। वो हमेशा भ्रमित टिप्पणियाँ करती हैं। मुझे याद है पहले भी उनने एक बहुत ही गलत टिप्पणी की थी हमारे जैस संगठन के बारे में, जो एक युवा समाज सेवी आदिवासी संगठन है उसके बारे में भी बहुत ही गलत आपत्तिजनक टिप्पणी उषा ठाकुर जी ने पिछले कार्यकाल में की थी। तो इनकी आदतें हैं ऐसी गलत बातें करना। नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ बती रही है, आदेश किया है कि टीआई से मिलकर छात्र आए, किसी छात्र को अगर मिलना है तो टीआई से अनुमति लेके आए, अगर मिलना है तो पहले आप टीआई के पास जाएं, टीआई फिर उसके बाद मेरे पास आए तब मुझे मुलाकात करेंगे। ई यूनिवर्सिटी में लेकिन उससे टीआई का क्या लेन देन है? दो से अधिक लोग अगर आप तुलना की फरमान सर मान रहे हैं कि ये तुलना की फरमान नहीं नहीं ये तो एक रिसर्च का विषय है कि आखिर कोई भी कुलपति ऐसा आदेश क्यों निकालेगा। भाई उसमें तो हर छात्र का दायित्व होता है कि अगर उनको कुछ काउंसलिंग चाहिए, उनको कुछ जानकारी चाहिए है, कुछ कुछ भी ऐसा विषय में उनको कुछ कोई संकोच है, तो उनका अधिकार है कि वो कुलपति के पास जाएं, डीन के पास जाएं, प्राचार्य के पास जाएं। लेकिन थाने में खबर करो पहले और फिर अपॉइंटमेंट लो, ये कौन सा तुलकी फरमान है? नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्काल मंत्री ने कल कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।